हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैंटास्टिक। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ब्रेकफास्ट सीरीज के 7 एपिसोड के बाद हम आपके लिए कुछ अलग लेकर आए हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं व्हाइट सॉस पास्ता। इसके लिए हमने पेने पास्ता यूज किया है। सबसे पहले हम यहाँ दिखाई गई सब्जियों को काट लेंगे। हमने यहाँ लिया है 3 बेल पेपर, 3 मशरूम, 1 ब्रोकली, थोड़े से कॉर्न, 1 प्याज और 2 हरी मिर्च। अब हम 1 लीटर पानी बॉईल कर ब्रोकली को उसमें 1 मिनट तक ब्लांच कर लेंगे। इसके बाद हम 2 लीटर पानी में 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून तेल डालकर पास्ता को बॉईल कर लेंगे। हमने यहाँ पर 1 बोल पास्ता लिया है। हमें इसे 10 मिनट तक बॉईल करना है जिससे यह 80% तक कुक हो जाएगा। व्हाइट सॉस बनाने के लिए अब हम एक पैन में बटर लेकर उसे मेल्ट कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और उसे 30 सेकंड तक पका लेंगे। अब हम इसमें 1 कप दूध डालकर उसे मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्हाइट सॉस तैयार हो जाने के बाद हम सब्जियों को सौते कर लेंगे। इसके लिए हम 1 टेबलस्पून तेल लेंगे और उसमें थोड़ा सा बटर डालकर उसे मेल्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे प्याज और उसे थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें कॉर्न और बेल पेपर डाल देंगे। एक मिनट तक इसे पकाने के बाद हम इसमें डालेंगे मशरूम और ब्लांच की हुई ब्रोकली। सब्जियों को सौते कर लेने के बाद हमारा फाइनल स्टेप है पास्ता प्रिपरेशन। इसके लिए हम तैयार किए गए व्हाइट सॉस में ग्रेटेड चीज डाल देंगे। चीज को व्हाइट सॉस में मेल्ट कर लेने के बाद हम इसमें सॉर्टेड वेजिटेबल्स डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट तक कुक कर लेने के बाद हम इसमें बॉइल्ड पास्ता डाल देंगे। आखिर में हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून नमक और 1-1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो। और इन सब को मिक्स करने के साथ ही बनकर तैयार है व्हाइट सॉस पास्ता। आप चाहें तो इसमें ऊपर से और ग्रेटेड चीज भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।